नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। बहुजन समाज पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया। सबसे पहले लखनऊ मंडल में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज भी कसा। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीएसपी सुप्रीमो ने निशाना साधते हुए लिखा, यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने, सभी जाति और धर्मों में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाने और पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन और अति निराशाजनक है। तो जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद लगातार मिलती हार को देखते हुए बीएसपी ने आज समीक्षा बैठक करी है, ने कार्यालय पे, लखनऊ स्थित कार्यालय पे ये समीक्षा बैठक करी गई है और इसमें कई बड़े बीएसपी के नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आज सपा की भी समीक्षा बैठक रही थी और बीएसपी ने आज समीक्षा बैठक करने से पहले ही बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर भी तंज कसा है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यालय पर आज सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। इससे पहले लखनऊ मंडल में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई और पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी के 100 दिन पूरे होने को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि यूपी भाजपा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने और सभी जाति धर्मों में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन और अति निराशाजनक रहा है। 100 दिन के कार्यकाल को उदासीन और अति निराशाजनक बताया है। हालांकि अपनी हार पर समीक्षा बैठक करी है आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, बसपा सुप्रीमो द्वारा आज पार्टी की समीक्षा बैठक की गई, कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं इस बैठक में, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मंडल लेवल पर ये समीक्षा बैठक जो थी वो बसपा की आयोजित की गई थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों में ये बैठक होनी है। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से हुई थी और राजधानी लखनऊ में जो बिजली पासी किला जो इलाका लगता है, वहां पर बसपा का जो मंडल जो कार्यालय है वहां पर ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बसपा के कई सारे जो सीनियर लीडर है वो मौजूद थे और मंडल लेवल के जो नेता है वो भी मौजूद है। कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक के जरिए आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा तय करनी है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस बैठक के जरिए सदस्यता अभियान को भी बढ़ावा देना है। समाजवादी पार्टी ने आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है और अब दूसरी तरफ बसपा ने भी अपने सदस्यता अभियान को लेकर के कहीं ना कहीं आज इस बैठक के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम भी 2024 के चुनाव और उससे पहले नगर निकाय चुनाव में काफी मजबूती से जनता के सामने उतरेंगे और जनता से उनका वोट मांगेंगे, विपक्षी और साथ ही साथ सत्ता दल से कहीं ना कहीं हम भी लड़ाई लड़ेंगे, इसी को लेकर के सदस्यता अभियान था। इसके पहले आज सुबह मायावती ने एक ट्वीट भी किया था, उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी उपलब्धियां जो थी वो गिनाई थी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो की तरफ से एक ट्वीट आया और उन्होंने इस पूरे जो उनका 100 दिन का काम रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, बीजेपी सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इसे निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए, सरकार ने बेरोजगारों के लिए किसी तरह से कोई भी काम नहीं किया है और ये 100 दिन का जो काम है ये पूरी तरह से निराशाजनक है। तो इस तरह के कई सारे प्रमुख ट्वीट मायावती पहले भी करती आई हैं, अभी भी की हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से उनकी जो बैठकें हुई उस बैठक में कहीं ना कहीं हार को लेकर की भी समीक्षा हुई है कि लगातार एक लंबे समय से हमारी पार्टी क्यों अलग अलग चुनावों में हारती आ रही है, इसकी भी समीक्षा की गई है और उसका जो नतीजा होगा वो अब अलग अलग मंडलों के जरिए मायावती के सामने पेश किया जाएगा। जी नितिन, एक तरफ मायावती अपनी हार की समीक्षा कर रही है तो वहीं सपा उनको बी पार्टी भी कहती है। जिस तरह से अभी रामपुर आजमगढ़ में चुनाव हुआ उसके बाद सपा की तरफ से बयान सामने आया था कि बी पार्टी ने मदद करी है, इस वजह से भाजपा जीती है। तो एक तरफ बी पार्टी होने का आरोप, दूसरी तरफ समीक्षा और एक तरफ सपा भी अपनी समीक्षा कर रही है। जब चुनाव लोकसभा के विधानसभा के हुए थे तो उसके बाद भी काफी कुछ देखने को मिला था, क्या कहेंगे? देखिए, आजमगढ़ का चुनाव अगर समाजवादी पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं उसमें बसपा का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि 2019 में जब अखिलेश यादव इस सीट से जीत करके सांसद बने थे उस दौरान समाजवादी पार्टी के साथ
बसपा का गठबंधन था और गठबंधन ने ही कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें हराया था 2019 में। अखिलेश यादव वहां से जीत के सांसद बने। अगर इस चुनाव की बात करें जो कि अभी उपचुनाव हुआ है, इस सीट पर बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था शाह गुड्डू जवाली, जो कि मजबूत नेता है उस क्षेत्र में। बड़े पैमाने पर उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और बसपा का जो वोट था वो अपने साथ ले गए, क्योंकि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एफवाई फैक्टर के बीच में रहता है मुस्लिम और यादव। शाह गुड्डू जवाली ने बसपा के कैंडिडेट को भी हल्के में लिया। शाह गुड्डू जवाली जो कि बसपा से कैंडिडेट थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे धर्मेंद्र यादव उनको काफी नुकसान पहुंचाया। पहले तो इस तरह से कि वो बसपा का वोट ले गए जो कि 2019 में अखिलेश यादव को मिला था। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम होने के नाते जो मुस्लिम वोटर्स था उसको भी अपनी तरफ आकर्षित किया और मुस्लिम वोट भी लेकर गए, जो कि समाजवादी पार्टी को 2019 में मिला था और 2022 के चुनाव में भी मिला था। ये दोनों जो वोट बैंक कट गए तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। इसका ही कहीं ना कहीं जो नाराजगी है ये समाजवादी पार्टी लगातार दिखाती रही है, क्योंकि 2019 में जब गठबंधन था, गठबंधन में अच्छे नतीजे नहीं मिले, मायावती अलग हो गई, उसके बाद अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने को लेकर के अखिलेश यादव और मायावती में काफी नाराजगी देखने को मिली है, और उसके बीच में कई सारे जो बयान और आरोप और प्रत्यारोप भी दोनों के बीच चले हैं। तो ये एक जो आपसी रस्साकसी है और राजनीतिक रस्साकसी है दोनों के बीच चल रही है, और इसीलिए पार्टी का जो नाम है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा को दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे पहलू में अगर हम देखें तो बसपा अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, बसपा अपने कैडर पर काम कर रही है, बसपा अपने संगठन को मजबूत करने के काम कर रही है, सदस्यता अभियान चला रही है, और आज ही बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताया गया है। तो ऐसे में बी पार्टी कह देना वो बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि बसपा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बीजेपी के साथ उनका दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कि मैं द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करती हूँ, मैं एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती हूँ। उन्होंने इंडिविजुअल कैंडिडेट को सपोर्ट किया, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट नहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं जो बसपा को बीट इन कह रही हैं उन्हें सोचना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने अपनी हार की समीक्षा करने के लिए आज बैठक बुलाई, जिसमें कई बड़े बीएसपी के चेहरे भी मौजूद रहे, और उससे पहले जिस तरह से निंदा करी है बीजेपी की, तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया है कि वो बीजेपी की बी पार्टी नहीं है। जिस तरह से सपा द्वारा आरोप लगाए गए हैं, वो अपनी गरिमा और अपनी पार्टी को अलग रखते हुए राजनीति में आगे बढ़ रही है। रुक करते अगली खबर का। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय लखनऊ से की। इस सपा के इस सदस्यता अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राज्य व्यवस्था में है जिसमें आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण निश्चित रूप से हो। समाजवादी पार्टी शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया गया और ये कहा गया कि गांव गांव तक जाकर हम लोगों के बीच संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, तो क्या लगता है ये 24 की तैयारी है या फिर इसे सिर्फ 27 की तैयारी मानी जाए, क्योंकि बीजेपी काफी मजबूत है और सपा को उतना मजबूत बनने के लिए अभी और वक्त लगेगा। जी, बता दें कि पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के सभी, अगर बात की जाए तो सभी जो पद होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और सभी पदों को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर सभी पदों को भंग कर दिया गया, और आज राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें साफ तौर से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी के अब जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव अब गांव में जाएंगे और सदस्य बनाएंगे, और सदस्य बनाने की साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि अब हम गांवों के साथ साथ हर एक घर जाकर अपनी बातों को रखेंगे और सदस्यता अभियान चलाएंगे। और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं लखनऊ में जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको सदस्य बनाया गया और उन्हें जिम्मेदारी तय करके अब जिलों में भेजने की तैयारी की जा रही है कि वो जाकर सदस्य बनाए, और सदस्यता के बाद अब जो संगठन का विस्तार है वो किया जाएगा,
वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि जो साल के अंत में निकाय चुनाव है और साथ ही साथ 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी पूरी तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और संगठन का जल्द ही विस्तार करेगी। जी शिखा जी, विभाषी, जिस तरह से दो दिन पहले ही कार्यकारिणी को भी भंग किया गया है सपा मुखिया द्वारा, तो क्या लगता है इस बार नए चेहरों को सबसे ज्यादा मौका मिलेगा या फिर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी मौका दिया जाएगा? और जिस तरह से नए चेहरों को मौका दिया जाएगा उससे सपा कितनी मजबूत होगी? जी, आपकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान को देख के तो उसमें साफ तौर पे अखिलेश यादव की तरफ से गया कि इस बार हमारा फोकस गांव रहेगा, साथ ही साथ युवा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं को लेकर उनका फोकस है वो अगर दिखता है और साथ ही साथ अगर संगठन का विस्तार होता है, उसमें युवाओं को जगह दी जाती है, तो ये पार्टी के लिए उनकी तरफ से कहा गया ये बेहतर होगा और जिससे अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। अब 2024 के चुनाव में अब देखने वाली बात ये होगी कि संगठन में किन नेताओं को उनको पद दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो साल के अंत में निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव से ठीक पहले जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए गए थे, क्या उन्हें वापस से फिर संगठन में जगह दी जाएगी या नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये संगठन विस्तार के बाद पता चलेगा। मगर अगर देखें तो आज सदस्यता की शुरुआत की गई है और कहा गया है कि जब तक संगठन का विस्तार नहीं होगा तब तक सदस्यता अभियान चलेगा। साथ ही कहा गया कि अब डिजिटलाइजेशन के जो दौर है उसी के तौर पर समाजवादी पार्टी का डिजिटल मुहिम भी चलाया जाएगा, जिसमें सदस्य बनाने के लिए डिजिटल तरीके से भी सदस्य बन सकेंगे। साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों का और सभी सदस्यों का ब्यौरा भी कहा गया कि इसके माध्यम से रखा जाएगा। वहीं आपको बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे के उप मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब उप मुख्यमंत्री अपने लखनऊ से बाहर जाते हैं तो विभाग में ट्रांसफर किए जाते हैं। उनका साफ तौर पे आरोप था सिखा कि जो सरकार है वो कोई और चला रहा है, ना कि जो नेता चुन के आए हैं जो उप मुख्यमंत्री है। तो उनका सीधा सवाल उप मुख्यमंत्री से था कि आखिर आप जब शहर में नहीं है, जब आप राजधानी लखनऊ में नहीं है, तो ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे हो रही है? जी जी, तो आज नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं सरकार पर, सीधा तंज कसा है क्योंकि अभी 100 दिन पूरे हुए हैं सरकार के और लगातार विपक्षियों के निशाने पर सरकार नजर आ रही है। विभांशु, आज ये भी बात कह दी गई कि कोई और सरकार चला रहा है, आखिर अखिलेश का निशाना किसकी ओर था? जी अगर बिल्कुल सीधा आपको बताया कि उनका साफ तौर पे निशाना जो सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक है उनकी तरफ था। उनका साफ कहना था कि अगर वो राजधानी में नहीं है तो ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रही है। वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सरकार के 100 दिन पे पूरा होने पे सरकार ब्यौरा दे रही है, उन्हें ब्यौरा पिछले 5 साल का पहले दे दे फिर 100 दिन का देंगे। और कहना ये था कि जब 100 दिन का ब्यौरा दे रहे हैं तो जो पिछली सरकार थी यानी कि 2017 से 2022 की उसके भी ब्यूरो को दे, और जो 100 दिन का बात कहा जा रहा है उसको ये गलत है और पूरी तरह से पहले पिछली सरकार का ब्यौरा दे और अपने संकल्प पत्र को उठा के पढ़े और देखे क्या उसमें जो वादे किए गए थे कितना उसको पूरा किया और कितना अगर देखे तो अभी उस पर काम चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम वाराणसी पहुंचे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी सर्किट हाउस पहुंचकर वहां की परियोजनाओं और तैयारियों को लेकर मीटिंग भी करेंगे। सीएम इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही 5 स्थलों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। पीएम के आगमन के लिए 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, इसमें 3 हेलीकॉप्टर जिसमें एक सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा, एक पीएम मोदी और एक सुरक्षा कर्मियों के लिए होगा। और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, मीटिंग करेंगे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए वाराणसी से संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। आफताब,
वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं। पीएम के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है जिसका जायजा ले चुके सीएम योगी आदित्यनाथ? जी, आपको बता दें कि सीएम योगी अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ चुके हैं। सबसे पहले वह सर्किट हाउस में जाकर के जनप्रतिनिधियों के साथ और आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। उसके बाद वह वहां से एलटी कॉलेज में अच्छा पात्र फाउंडेशन की तरफ से मेगा किचन जो बनाया गया है उसका निरीक्षण किया, जहाँ पीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके उनके हाथों से उद्घाटन होना है उसका। उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहाँ से रुद्राक्ष कम्प्लेक्स गए जहाँ शिक्षा सम्मेलन का सम्मेलन होना है उसको वहाँ गए। वहाँ पर उसके बाद फिर वहाँ से शिक्षा स्टेडियम जिसमें वहाँ सभा होनी है और तमाम तैयारियां का निरीक्षण करते हुए तमाम जितनी भी पीएम मोदी के को लेकर के जो तैयारियां की गई है तो तमाम जगह होने के बाद विश्वनाथ मंदिर गए दर्शन करने के बाद वे अभी वहाँ से निकले हैं वापस सर्किट हाउस जाने के लिए। जी आफ्ताब, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जानकारी की बात करी जाए तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा प्रधानमंत्री का? कार्यक्रम रहेगा, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जो शिक्षा को लेकर के करीब 300 कुलपति इकट्ठा होंगे यहाँ पर। उसको लेकर के प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक प्रदेश में दूसरे नंबर का थाना बना है जो दौरा स्थिति में बना हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। कई परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे और कई रोड चौड़ीकरण है और आपके सिक्स लेन रोड है जो लाटारा से होकर के रवाया जीतू होते हुए विद्या सिनेमा के पास तक पहुंचती है उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि मेगा किचन जो लगभग 2500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है उसका भी उद्घाटन करेंगे। पीएम द्वारा कई करोड़ों की सौगात अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में नादा चौराहे के पास शराब की दुकान पर एक नगर आयुक्त नगर निगम की टीम के साथ पहुंचे और वहां का नजारा देखकर वो चौंक गए। शराब के ठेके के आसपास सैकड़ों की संख्या में लोग हाथ में बोतल लिए खुलेआम घूमते दिखे। ठेके के बाहर पानी के पाउच के भी कई बंडल मिले। इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए जुर्माना वसूलने के साथ आबकारी विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि नगर आयुक्त ने पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की है। जानते हैं कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग एक सघन कार्रवाई कर रहे हैं जो प्लास्टिक बैन हुआ है उसको क्रियान्वित करने के लिए। हालांकि काफ़ी जन जागरूकता हुई है लगातार इसमें पूरे एक हफ्ता, इसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसी के चलते पूरे क्षेत्र में गंदगी करने के लिए, जिससे कि आसपास के लोगों को निश्चित ही काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा होगा उसके लिए, और तमाम सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लिए ये कार्रवाई आज हो रही है। इन पर फाइन किया गया है और फाइन ना पे कर पाने की स्थिति में इनके विरुद्ध कुर्की भी की जाएगी और अन्य इसमें IPC की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई भी। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितेश, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और खुले आम शराब के ठेके के बाद लोग शराब लेके नजर आए हैं, तो इसको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि दोनों ही बड़े मामले, एक तरह से आम इंसान की तरह, आम चीज की तरह शराब को लेके लोग घूमते नजर आ रहे हैं, वही सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बावजूद भी पानी की थैलियां नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के चलते हुए कल नगर आयुक्त द्वारा रात को छापेमारी भी हुई है और आबकारी विभाग को शिकायत करी गई है कि ये किस तरीके का माहौल बना हुआ है। शराब के ठेकों के पास लगातार एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठित हो जाती है और उनके हाथों में बोतल होती है और लगातार वो शराब का भी सेवन कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करी जाए पॉलोथिन की, तो पॉलोथिन का भी लगातार सेवन करा जा रहा है और इस तरीके से ये गंदगी हो रही है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है। जी, इस मामले के सामने आने के बाद आबकारी विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या ठेके का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है? आबकारी विभाग की अगर बात करिए, आपको सख्ती से पेश आता हुआ नजर आ रहा है, आपको खुली चेतावनी दी गई है
इस तरीके से अगर रहेगा तो ठेके का नाटक ठेके का भी निरस्त किया जाएगा लाइसेंस। जी, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करी जाए तो उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब जिस तरह से ये पॉलिथीन सामने आई है, पानी के पाउच सामने आए हैं, इसको लेकर किस तरह से रोक लगाएगी और साथ ही साथ अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से जगह जगह छापेमारी की जा रही है? योगी सरकार द्वारा कहा गया था जो इस पॉलिथीन को बैन किया गया है और बैन करने के साथ साथ सभी अधिकारी सख्ती से पेश आ रहे हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है और जिसके पास पॉलिथीन मिली जा रही है उससे चालान काटे जा रहे हैं और पॉलिथीन को जब्त किया जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है और लगातार सारे अधिकारी इस चीज को सख्ती से पेश आ रहे हैं और सख्ती से आम जनता को भी समझाने की कोशिश करे जा रहे हैं। जी नितेश, अगर बात करी जाए आम जनता की तो वो कितनी जागरूक हुई है? अगर दुकानदारों की बात करी जाए तो क्या उन्होंने खुद प्लास्टिक और पॉली बैग्स को रखना बंद कर दिया है? अगर आम जनता की बात करी जाए, दुकानदारों की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा समय लगेगा और जिसके पास कुछ दुकानदार चोरी से भी बेच रहे हैं, कुछ दुकानदार उस चीज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और थैले को अगर उसमें लाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा अभी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो